अध्याय 15 का पहला श्लोक श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ऊपर सिद्धार्थ जीसस जैसी आधारमूर्त जड़ों वाले दाई बाई और विधर्मी विदेशी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना संकल्पों के छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के जिसके सृष्टि वृक्षीय 7 अरब चेतन पत्ते हैं, ऐसे मनन चिंतनशील आदिमानव आदम के मनरूपी चंचल बने पीपल की सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वटवृक्ष अर्थात बनियन ट्री को अविनाशी कहा है, जो उस बंगाली सृष्टि वृक्ष के आदि मध्य अंत को भली भांति गहराई से जानता है। वह साक्षात चौमुखी ब्रह्मामुख से निकले वेदों का पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण ही ज्ञाता है। अध्याय 15 का दूसरा श्लोक। इस अधोमुखी सुख दुख के संसार में उस मानवीय अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष की सत्व रजतम इन 3 प्रकार के गुणों से प्रकृष्टत्या बढ़ने वाली द्वापर से विकारी धर्मावलंबियों के प्रकृष्ट अंकुरों वाली देशी विदेशी शाखाएं नीचे अधोलोकीय नरक में तथा देवी देवता सत्य सनातन धर्म के मूल तना वाली ऊपर राम कृष्ण के स्वर्गलोक में मर्ज रूप से ही फैली हुई है और मंदिरों में पूजित बच्चा बुद्धि कृष्ण की मिक्स बनी पड़ी गीतामत या मानव मत से प्रभावित स्वर्ग में श्रेष्ठ और नर्क में भ्रष्ट बने कर्मों को बांधने वाली पुरुषोत्तम संगम में भी शूटिंग कालीन सिद्धार्थ जीसस जैसे आधारमूर्त ब्रह्मावत्सों की बायप्लॉट जड़े नीचे की दाई बाई शाखाओं में चीरफाड़ करता हिंसक दैत्यों के द्वैतवादी द्वापुर कलियुगी नारकीय मनुष्यलोक में टोटल फैली हुई है। इसीलिए कलियुगांत में ही सभी विधर्मियों के होने से गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्व धर्म त्याग मुझ एक की शरण में आ जा। अध्याय 15 का तीसरा श्लोक। इस अनादि वृक्ष का वैसा परम ब्रह्मलोकीय रूप यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है और न इस वट बीज आदिदेव का आदि न मध्य और न अंत ही यथार्थ में देखा जाता है। खूब पक्की त्रिदेवियों की जड़ों वाले इस कामासक्त चंचल मन रूपी अश्व की स्थिरता हेतु पुरुषोत्तम संगम में दृढ़ता की गदा द्वारा अथवा अनासक्ति के शस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा काट कर। अध्याय 15 का चौथा श्लोक। उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगमयुग से उस अतीन्द्रिय सुखदायी कलातीत परमपद विष्णुलोक को मूसलो रूपी मिसाइल युग में अभी ही खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए 9 कुरियों में पहले वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण पुनः यहाँ नरनिर्मित नर प्लस का में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदि देव अर्थात अर्धनारीश्वर परम पुरुष हीरो पाटधारी की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी सत्य सनातन प्रवृत्ति मार्गी देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अध्याय 15 का 5वां श्लोक। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या
मान और मोह रहित आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषता निवृत्त और सुख दुख सर्दी गर्मी मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत भरे सदानंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। अध्याय 15 का छठवां श्लोक। उस परम ब्रह्म लोक को न सूर्य न चंद्र और न पंच महाभूतों के बीच सदा दैदीप्यमान अग्नि भासित होती है, जहाँ वैकुंठ में जाकर नरक में 2500 वर्ष तक नहीं लौटते। वह परम ब्रह्म लोक मेरा परा प्रकृति की योग ऊर्जा निर्मित परम प्रकाशित परम धाम है। मैं सर्वव्यापी नहीं। अध्याय 15 का सातवां श्लोक। नंबरवार प्राणियों वाली सृष्टि में कल्प पूर्व के पुरुषार्थ निर्मित योगीश्वर का मेरा ही सनातन बुद्धिरूप शिवनेत्री अंश अपरा प्रकृति में स्थित जड़त्व में बुद्धि को मन सहित 6 ज्ञानेन्द्रियों को भी जगत पिता महादेव द्वारा योगबल से खींचता है। अध्याय 15 का आठवां श्लोक। जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धिरूपी पेट में एकत्र अखंड योगऊर्जा का अंश आत्मा अथवा ईश्वर या प्राणवायु ऊपर निकलता है और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को भी धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाता है। देखिए गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। अध्याय 15 का 9वां श्लोक। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम् च रसनम् घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। यह योगोर्जारूप ज्ञान सूर्य की आत्मकिरण परा प्रकृति कान आँख त्वचा जीवा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देहरूप यंत्र अथवा कार से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। अध्याय 15 का 10वां श्लोक। देह छोड़ते या धारण करते भी अथवा विषय भोग भोगते हुए विद्युत करंट जैसी त्रिगुणयुक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत ही देखते हैं। दिखावती टीकाकर्ता महामूर्ख नहीं देख पाते तो द्वापरान से सर्वव्यापी मान लेते हैं। फुटनोट: निराकार अभोक्ता सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सृष्टि के बीज आदि मानव में ही एक व्यापी है, उसकी ही सुननी चाहिए। अध्याय 15 का 11वां श्लोक। यत्नवान योगी इस भरीपूरी भ्रिकुटी में योगूर्जा से परिपूर्ण आत्मकिरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में
सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं, किंतु अपनी इंद्रियों को वश में न करने वाले जन्म जन्म के हिंसक भोगी बुद्धू लोग यत्न करते भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, क्योंकि अनास्थावान अर्थात नास्तिक बन पड़े हैं। फुटनोट: अनोरणीयाम सम अनुस्मेरद्या। गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। ध्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश। गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। चक्षुषैव आंतरे भ्रुवो। गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 15 का 12वां श्लोक। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही कृष्ण चंद्र देव और अग्नि देव में आभामय जो तेज है, वह मेरा प्रतिरूप महादेव को ही जान। सभी आत्माएं एक साकार विवस्वत सूर्य नहीं है। फुटनोट: सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पाटधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योगबल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अध्याय 15 का 13वां श्लोक। और मैं अर्जुन की देहरूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ, और रामबा प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रसयुक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। अध्याय 15 का 14वां श्लोक। मैं विश्व की नर रूप ज्वलनशील योगीश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर प्राणियों के देहाश्रित हुआ भक्ष्य भोज्य चव्य चोष्य चार प्रकार के आत्म प्यार की योगिक खुराक को सत्संकल्पी प्राण और शिवोहम या परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलाकर पचाता हूँ। अध्याय 15 का 15वां श्लोक। कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ, और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। मैं ही संगठित चार ब्रह्मामुख निसृत सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। ज्ञान अंतकर्ता वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास अर्थात शिव बाबा हूँ। अध्याय 15 का 16वां श्लोक। संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता, ये दो ही प्रकार की द्वा सुपर्णा आत्माएं हैं। अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर्य शंकर, जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी पाटधारी महादेव सिवा सभी क्षतवीर्य अर्थात पतनशील प्राणी विनाशी है, आज है कल नहीं, और परम ब्रह्मलोक वासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित
ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अर्थात अमोघ वीर्य सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप अर्थात सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। अध्याय 15 का 17वां श्लोक। किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परम प्लस आत्मा ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। सुख दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मैं शिव निराकार ज्योतिबिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। मुरली तारीख 12 मई 1970 पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 15 का 18वां श्लोक। जिस साक्षर आदिनारायण अर्थात महादेव से भी आत्मस्थिति में सदाकाल अतीत और पुरुष रूप आत्माओं में उत्तम सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम आत्मा मैं हूँ तथापि मेरी याद से वह मेरे समान बना है, इसलिए लोक और वेद में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। फुटनोट: आदम को खुदा मत कहो, आदम खुद प्लसा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये मुसलमानी फिक्रा भी है। अध्याय 15 का 19वां श्लोक। यो मामेव मसमूढो जानाति पुरुषोत्तमं ससर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, जो पूरा मूर्ख नहीं थोड़ा भी ज्ञानी है वह व्यक्ति मुझ सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसा कहा ऐसे ही पुरु प्लस शारूप आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मास्टर त्रिकालदर्शी मुझे ही सर्व संबंधों के अव्यभिचारी अर्थात मामेकम भाव से पुरुषोत्तम संगमयुग में भी याद करता है। अध्याय 15 का 20वां श्लोक। हे निष्पाप या कलंकी धर, इस प्रकार यह पीबी केस में गुह्यात गुह्य तरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार अर्थात बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगमयुग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः।